इतनी टेंशन सी हो रखी है कि भाई अपना एक मिनट का। हाँ जी मैम, हाँ जी, नंबर प्लेट नहीं आती इन बाइकों पे कभी। गाड़ी में बंदे बैठे तो कह रहे थे पीछे देखो BMW। तो लो जी, हमने अपनी BMW वहाँ दे दिया है सर्विसिंग के लिए और अनिल भाई को चाबी दे दी है तो बाइक धो जाएगी। धोने के लिए दे, नॉट अ सर्विसिंग के लिए। बाजार अपनी BMW को इसके बराबर में बीक पेश रही है। तो आज का ब्लॉग यही था। रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में आते आते क्या दिखाऊं, इतनी सारा भीड़ और ऊपर से कोरोना वायरस, तो सोचा कि आराम से चलते हैं धूप में निकल के। और फिर बाइक अभी धोने के लिए दिए यहाँ पे, अच्छे से धो जाएगी। मेरी जो सर्विस हुई थी उसके बाद फिर बारिश चल रही थी तो मैंने बाइक को वॉशिंग नहीं करवाया था, तो इसी वजह से यहाँ बिल्कुल पीछे ही हमें अपना सामान वगैरह लेना है। बाइक, बाइक के टायर बदलवाने हैं और हेलमेट वगैरह लेना है। थोड़े से पैसे खर्चने, आज 70-80 हज़ार रुपये खर्चेंगे, तो देखते हैं। गर्लफ्रेंड पे तो इतना खर्चा होता नहीं, लेकिन हमारी तो यही गर्लफ्रेंड है, इन्हीं पे खर्चा होगा। तो ऐसी जगहों पे कुछ ज़्यादा खतरा रहता है कोरोना वायरस का, तो क्या बताऊँ। सेफ्टी मस्ट है, आप साथ में कैरी करो अपना सैनिटाइज़र वगैरह और थोड़ा सा छुओ मत किसी को, हाथ वाथ मत मिलाओ, यही सब कर सकते हो। पात पेवर्स के नाम से है भाई की ये पूरा शोरूम, और एंट्री यहाँ से भी वहाँ से भी है। और ये विपिन भाई आज 70-80 हज़ार रुपये उड़ा के चलेंगे। भैया क्या हाल है आपको, दोबारा देखने का हमें तो वादा प्राप्त हुआ। और भैया कोरोना वायरस तो नहीं है यहाँ पे? बाइकर वायरस। हेलो जी, भूसा भी खड़ी हुई है। कैसे हो भैया, ठीक हो? तो ये वाली जैकेट है जो मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आई हुई थी, मेरी पूरी बाइक के साथ मैच करती है, बट DSG की है ये। उन्होंने PC बनाना बंद कर दिया और मेरे साइज़ में है नहीं, ये मेरे से एक नंबर बड़ा है। और ये वाली जैकेट कुछ 30-40 हज़ार के आसपास मिलती हैं, तो वो अभी अफोर्ड नहीं है। बाकी एक हेलमेट अभी यहाँ से परचेज़ करके लेके जाएंगे हम, आई थिंक वो वाला, तो देखते हैं कौन सा एक पैंट लेनी है। तो यही सब है, तो मैं फटाफट हेलमेट को उतारता हूँ, ये जैकेट को उतारता हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी है भाई। तो बाइक के टायर बदले जा रहे हैं यहाँ पे, बाइक का टायर बिल्कुल ही ख़त्म था, वो चेंज कर रहे हैं और साथ में कुछ गियर्स हैं वो देख रहे हैं, हेलमेट कौन सा लेगा भाई। तो मेरे पास तो हर चीज़ अवेलेबल ही है, तो मैं भाई को दिलवाने के लिए लाया था यहाँ पे, और दिखाता हूँ आपकी कौन सा हेलमेट हम ले रहे हैं और कौन सा हेलमेट उस बाइक के साथ सेट हो रहा है, वो सेफ्टी सबसे मस्त है यार। Hand me from the start, by the way you stared, the way you wrote upon me, yeah. Man, I felt your energy, wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong, the signals got crossed, and now we're on completely different pages. Let's go where we were, when no one gets hurt. Right there, don't you stress the flow. You're trying to pick the pace up, we should take it slow. Baby, keep your focus, don't you make me change my mind.
baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you. तो बाइक में डल गए नए टायर एकदम झकास. और फटका कितने का लगा है? फटका फटका लग गया 63,200 रुपये. बस 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 63,000 का फटका लग गया भाई का. बाइक में टायर हो गए बिल्कुल नए और साथ में हेलमेट लिया है AGV. ओके तो ये है पाथ फेवर यहाँ से लिया है. अभी मैं अपनी बाइक यहाँ से उठाने जा रहा हूँ, जस्ट 1 किलोमीटर ही दूर है तो बाइक उठा लेता हूँ. भाई का वहाँ हेलमेट रखा है तो इसको कैसे ना कैसे फिट करवाएंगे. नया हेलमेट पहन के चलेगा भाई, दिखाते कैसा लगता है. तो फटाफट पहुँचते हैं BMW के शोरूम और अपनी परी को उठाते हैं वहाँ से, GS बेबी को. तो यहाँ से उठानी अपनी बाइक. होगी भाई अनिल भाई? होगी कहाँ चली जाती है? अरे वो टायर वायर डलवाए, 62,000 का फटका लगवा लिया. हाँ तो ये खड़ी है अपनी बाइक. इस पे पुलिस नहीं मारते क्या तुम लोग? ड्राई पुलिस मारते हैं. ड्राई नहीं, ऐसे मार के ना सुखाया जाता है ताकि मिट्टी ना चिपके. पानी का लो. हाँ बस निकाल लूंगा मैं यहीं से. तो चला ले भाई, अभी लेके आऊँगा इंजन के उसके लिए, नॉइस के लिए. अच्छा। और सर कैसे हो? बढ़िया. हाँ चल रहा है, आज आएगा तू ब्लॉग में, टेंशन मत ले. नहा धो के एकदम चकाचक हो गई है. अभी क्या है कि मेरी एक सर्विस जो बाइक की हुई थी पहली, तो तब से मैंने बाइक को यहाँ पे क्लीन नहीं कराया था. उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वैसे तो चार्ज ये 500-600 रुपए आराम से ले ही लेते हैं बाइक के आई थिंक. लेकिन बाइक के ऊपर जब ये सब लगता है, इस पर पानी नहीं टिकता, ये अलग अलग मतलब कि पॉलिश वगैरह होती है, एक वैक्स पॉलिश होती है, सिलिकॉन पॉलिश भी होती है जिसमें पानी के डॉटेड नज़र नहीं आते. तो भाई ने ये हेलमेट लिया है AGV का. ओहो और पूरा मैच चोर है हेलमेट. $200+. इतनी टेंशन सी हो रखी है कि भाई अपना हाँ जी मैम, हाँ जी नंबर प्लेट नहीं आती इन बाइकों पे कभी भी, इनके आगे ही लगते हैं यहाँ पे. हाँ लाइसेंस है. अभी तो वैसे भी टेम्परेरी है, इस पे वैसा नहीं है, टेम्परेरी नंबर है. गाड़ी 18 लाख की, 18 लाख की गाड़ी. घर पे दो है. इन ये जर्मनी की बाइक है, यहाँ की नहीं है. इसमें इसमें आगे है ना, इसके ऊपर ही लिखा जाता है. और जो गवर्नमेंट से नंबर प्लेट आएगी ना वो तो 26 तारीख के बाद आएगी. ये पिछली 26 तारीख को ली है. हाँ ये हाँ 26 फरवरी, अभी मार्च चल रहा है. फरवरी. आधा आधा महीना ही हुआ है.
हाँ हाँ कागज है बाइक के, टेम्परेरी वगैरह है सब। ये टेम्परेरी है, ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस उसमें नीचे है। ये हाल होता है बिना नॉलेज वाले बंदों का, कह रहे हैं नंबर प्लेट नहीं है। अरे भाई टेम्परेरी पे बाइक चल रही है, नंबर प्लेट कहाँ से लाऊं? गवर्नमेंट देगी तभी तो लगाऊंगा। दूसरी बात, जितनी भी सुपर बाइक्स होती है उनमें जिसमें आगे दिया जाता है, लेकिन जर्मनी की जो बाइक होती है इनके आगे नंबर प्लेट लगने का कुछ होता ही नहीं है, तो सिंपली हमें स्टिकर लगवा के निकलवाना पड़ता है, पीछे लग जाती है। तो यही फंडा होता है। बहुत सारी बाइकों पर देखा होगा नीचे की तरफ वो करवा के लगवा देते हैं, जैसे भूसा वगैरह कोई दूसरी बाइकें होती है, तो आगे नंबर प्लेट नहीं लगती उन बाइकों में। ऐसा ही सेम सिचुएशन इसमें है। तो इनको बताओ भाई, कोई समझाओ, या तो इनको मिला नहीं होगा, थोड़े से नए से लग रहे थे, कह रहे चलान कटेगा, नंबर प्लेट नहीं है। अरे भाई है तो वैसे भी टेम्परेरी, टेम्परेरी तो वैसे कागज़ से लिखा के चिपकाया जाता है, टेम्परेरी में होता भी यही है। अब जब नंबर प्लेट आएगी तो नंबर प्लेट भी लग जाएगी। अरे बाप रे, 15 मिनट ख़राब कर दी इन्होंने मेरी यहाँ पे।